नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। एक घटना हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि पटना के दानापुर नगर परिसर क्षेत्र का है, जहां पर एक शादीशुदा युवती जो है अपने पुराने प्रेमी यानी कि कॉलेज के दिनों में जो उनकी प्रेमी थे उनके साथ वो फरार हो गई, और इस बात को लेकर उनके जो पति थे उन्होंने FIR दर्ज की, और खोजबीन के बाद स्थानीय पुलिस ने उस युवती के साथ उस प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि दरअसल ये जो खबर है वो पटना जिले के दानापुर नगर परिषद क्षेत्र की रहने वाली युवती शाहपुर थाना क्षेत्र के तेतरिया गांव में ब्याही गई थी। युवती का मायके में ही पड़ोस के एक लड़के के साथ प्रेम संबंध था। इसी बीच युवती की शादी स्वजनों ने करा दी, लेकिन पहले प्यार को भुला पाना युवती के लिए इतना आसान नहीं था, और साथ ही साथ उसके पड़ोस में रहने वाले अतुल कुमार मिश्रा के लिए भी ये मुमकिन नहीं था, उसके लिए भी ये उतना ही मुश्किल था। ये दोनों ही साथ में कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते थे, और इसी बीच ये समय कब करीबी में बदल गया पता ही नहीं चला, और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। और हम आपको बता दें कि लड़की की शादी स्वजनों ने शाहपुर कर दी। इसके बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातें होती रही, वो बात करना बंद नहीं हुआ। लड़की की शादी हो चुकी थी, उसके बाद भी अतुल मिश्रा और वो युवती आपस में मिलना जुलना नहीं छोड़े थे, और साथ में फोन पे बातें करना भी उन लोगों ने नहीं छोड़ा था। युवती जो है अपने प्रेमी के साथ 25 मई की रात को फरार हो गई। इसको लेकर महिला के पति ने अतुल मिश्रा पर पत्नी को भगा ले जाने की प्राथमिकी भी दर्ज कराई। आरोप लगाया गया था कि घटना की रात अतुल उनके गांव तेतरिया आया था, इसके बाद वह पत्नी को भगा ले गया। पुलिस मामले की पड़ताल में लग गई, और इसी बीच इस बात का पता चला कि वे दोनों जो हैं युवती और जो अतुल मिश्रा है वो दोनों ही बिहिया चौरस्ता के पास हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। युवती को बरामदगी के बाद कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट के आदेशानुसार महिला को उसके माता पिता के हवाले कर दिया गया। वहीं उस प्रेमी की बात करें तो वो गिरफ्तार उसके प्रेमी को अपरिहार्य कारण के कारण रिमांड पर नहीं ले जाया जा सका। तो इस तरीके से हम आपको बता दें कि पूर्व प्रेमी के साथ फरार शादीशुदा महिला को स्थानीय पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ शनिवार को बिहिया चौरस्ता में घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया, और महिला के पति ने इस बाबत पर प्राथमिकी दर्ज करा दी। अब पुलिस को उसके बारे में सूचना जैसे ही मिले उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला को उसके माता पिता के हवाले कर गया, और बरामद महिला पटना जिले की ही रहने वाली बताई जा रही है। हम आपको बता दें कि इस अतुल राज और हम आपको बता दें कि अतुल मिश्रा और ये युवती जो है कॉलेज के दिनों में एक साथ ही रहते थे, और ये युवक जो है उस महिला के बगल में यानी कि पड़ोसी था, और इस दौरान उन दोनों के बीच में करीबी इतनी बढ़ती गई, बातचीत इतनी बढ़ती गई कि ये दोनों आपस में करीब होते चले गए। और जब उस युवती की शादी करा दी गई ज़बरदस्ती, उसके बाद भी अतुल मिश्रा जो है वो दोनों आपस में बात करते रह गए, और मिलना जुलना भी उन लोगों का जारी रहा। वो दोनों एक दूसरे को से दूरी नहीं बना पाए, उन दोनों के बीच प्यार इतनी गहरी थी। इस बात का फायदा उठाकर युवती जो है 25 मई की रात को अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, अतुल मिश्रा के साथ फरार हो गई, और जिस तरीके से उस युवती के पति को इस बात की भनक लगी उन्होंने तुरंत ही FIR दर्ज करा दी। और जैसे ही उसके मिलने की खबर सामने आई, जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि वो लोग यहाँ पे है बिहिया में है, तो उन लोगों ने उसे जस्ट तुरंत जाकर शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। तो इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।